नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, बारिश के बाद अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से फूल गार्डन में खिले हुए हैं। अपराजिता के सिंगल पेटल्स के फ्लावर जो अभी तक खिलने में काफ़ी समय लगा रहे थे या एक दो फ्लावर आ रहे थे, आज देखिए बंचेस में इस छोटे से प्लांटर में ये प्लांट लगा हुआ है, वाइट कलर का अपराजिता। और इसमें कितने अच्छे 8 इंच का पॉट है और देखिए कितने अच्छे आज इसमें फ्लावर खिले हैं। हालांकि बारिश की वजह से फ्लावर कुछ गीले से कह सकते हैं कि मुरझा से गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट पर ही है। और धीरे धीरे अब अपराजिता के प्लांट्स पे भी अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरुआत हो गई है। और बारिश का पानी पाते ही फ्लावर का साइज़ भी बिग हो गया है। डबल पेटल्स में भी आज एक फ्लावर खिला हुआ है और देखिए मेरी सारी अपराजिता की बेल है जिन्हें मैंने अच्छे से बांध दिया है ताकि ये नियंत्रित रहे, अदरवाइज ये सारी एक दूसरे से उलझ जाती है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी कुछ स्टेम्स टूट भी जाती हैं जिनमें की बर्ड होती है। और ये देखिए पिंक कलर का रेन लिली। और रोज़ के प्लांट में भी छोटे छोटे फ्लावर्स आने शुरू हो गए। हालांकि मेरे रोज़ के 2-3 प्लांट्स ख़राब हो गए हैं, अब जब फ्लावर्स आएंगे तो पता चलेगा। और जो हाइब्रिड वाले वैरायटी के थे वो दोनों प्लांट्स तो लगभग मेरे ख़राब ही हो गए हैं। और हार सिंगार का प्लांट जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, अब ये देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में हेल्दी सा चल रहा है। और ये छोटा सा केले का बनाना का ट्री सा है, इसे भी छोटे पॉट में मैंने पूजा के लिए लगा रखा है। ये रेन लिली के वाइट कलर के फ्लावर्स हैं दोस्तों। कल ये जो येलो रेन लिली है इसमें भी एक फ्लावर आया था, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, तो अब ये कलर भी मेरे गार्डन में ऐड हो गया है। और पर्पल हार्ट भी बहुत अच्छे से बिना किसी केयर के हर जगह पे ये प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो बिना केयर के ही चलते हैं। अब बात करते हैं मधुमालती की, तो देखिए ड्वार्फ वैरायटी है और इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग अब हो रही है। हालांकि मालती के प्लांट्स में तो काफ़ी समय पहले फ्लावरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन इस साल ना मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और उस दिन मिट्टी चेक की है तो बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो रखी है, तो अभी इस पर मैंने वर्क नहीं किया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि सभी स्टेम्स पर कितने अच्छे बंचेस में बर्ड बनी हुई है। और एक दो दिन में पूरा जो मेरा प्लांट है ये 10 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है और इसकी मिट्टी बहुत हार्ड हो रखी है और रिपोर्टिंग मांग रहा है ये प्लांट, लेकिन अभी इसकी नहीं की है। और अपराजिता पे अब जो है फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सभी अपराजिता को किसी को स्टिक से, किसी को पाइप में, क्योंकि अपराजिता के मेरे पास प्लांट्स तो बहुत है लेकिन सिंगल पेटल्स में इतनी फ्लावरिंग इस बार नहीं मिली है। और वैसे भी कहते हैं कि अगस्त से जो है अपराजिता पे अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। और देखिए मधुमालती के फ्लावर कितने सुंदर से 3 कलर में, एक ही प्लांट्स पे हमें 3 कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। मधुकामनी के फ्लावर्स भी अब काफ़ी बिग साइज में आ रहे हैं और सभी प्लांट जो है बारिश के पानी से काफ़ी खुश हो गए हैं। देसी गुलाब की वैरायटी बहुत ही अच्छी रही इस बार, ना ही कोई प्लांट ख़राब हुआ है और बिना ज़्यादा केयर के भी प्लांट्स हरे भरे हो रहे हैं और उस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप भी गुलाब की वैरायटी को ऐड करना चाहते हैं तो देसी वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। हाइब्रिड वैरायटी को तो बचाना गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है और लास्ट में आते आते तक वो प्लांट्स मेरे लगभग ख़राब ही हो गए हैं। अब ये देखना है कि येलो वाला ख़राब हुआ है या दोनों ही ख़राब हो गए हैं। और ये देखिए चांदनी का प्लांट, इसकी इस बार बिल्कुल केयर नहीं हो पाई है इसलिए इसमें फ्लावरिंग इस बार मुझे नहीं मिली है। और सभी प्लांट्स, ये नागचंपा पे भी लगातार बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं जो डेली के मैं 2-3 फ्लावर तोड़ लेती हूँ। और क्योंकि आज बारिश हो रही है और अभी इन्हें सनलाइट नहीं मिली है तो फ्लावर्स जो हैं बर्ड तो बनी है लेकिन अच्छे से उनकी खिले नहीं है। और ये मेरी एक राखी बेल की, ये मेरा दूसरा नया प्लांट भी तैयार हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।